IDTV presents. पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू ने आज लोनी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां स्थित नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने लोनी क्षेत्र में स्थित 52 क्यूसेक नालों का जायजा लिया, जिसमें काफी मात्रा में गंदगी का अंबार लगा था। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता एवं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस के नेतृत्व में आज नरेला स्थित दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के सामने सैकड़ों स्थानीय नागरिकों व कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बढ़ रही पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन व मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में दो अज्ञात उपद्रवियों के समूह के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें देसी बम फेंका गया और गोलियां चलाई गई। झड़प में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा हादसा हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक बंजार से 1 किलोमीटर आगे भियोट मोड़ के पास एक निजी बस 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जिसमें सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और योजनाओं की रूपरेखा बताते हुए लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों को बधाई दी। 30 साल पहले पुलिस हिरासत में हुई मौत कस्टोडियल डेथ मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर परिसर के पास नवदुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर मध्य रात्रि को एक महिला की सिरकटी लाश बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। AN-32 विमान हादसे में जान गंवाने वाले वायुसेना के 6 कर्मियों के शव और 7 अन्य लोगों के पार्थिव अवशेष बरामद किए जा चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। कैलाश मानसरोवर के 58 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था लिपुलेख दर्रा होते हुए आज चीन के तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र पहुंचा। विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान राम मंदिर निर्माण, धारा 370, धारा 35A, जनसंख्या नियंत्रण और गाय व गंगा के संरक्षण से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।